हेलो फ्रेंड, मैं हीरा कुमार हाजिर हूँ अपने एक नए टॉपिक के साथ। मेरा आज का टॉपिक है टाइप ऑफ नेटवर्क इन डेटा पैक मशीन। डेटा पैक मशीन में कम्युनिकेशन के लिए कितने तरह के नेटवर्क यूज किए जाते हैं, उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। दिस इज़ फॉर योर बेसिक नॉलेज, ऑलवेज फॉलो OEM मैनुअल। यह सिर्फ आपके बेसिक नॉलेज के लिए है। हमेशा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का मैनुअल को फॉलो करना चाहिए, उसके दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाले अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। There are three network in the machine. डेटा पैक की न्यू जनरेशन की मशीन में तीन तरह के नेटवर्क का यूज किया जाता है। पहला है ईथरनेट, दूसरा सर्किसनेट और तीसरा डिवाइसनेट। ईथरनेट का यूज़ L7, L6, L5 लेवल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। यानी किसी भी मशीन का इंटरनल कम्युनिकेशन हो, जैसे कि फिलिंग मशीन में APC से TPOP या फिर किसी भी मशीन को LC से कम्युनिकेशन करवाना हो, तो उसके लिए हम लोग ईथरनेट का यूज़ करते हैं। अब सर्किसनेट की बात करते हैं। दिस इज़ अ फाइबर ऑप्टिक हाई स्पीड लिंक फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ मोशन डाटा बिटवीन द सर्किट मॉड्यूल इन द कंट्रोल लॉजिक स्टैक्स एंड द सर्वो ड्राइव्स। यह एक फाइबर ऑप्टिक हाई स्पीड लिंक है, जिसका इस्तेमाल सर्किट मॉड्यूल और सर्वो ड्राइव के बीच कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। इसको और थोड़ा अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। CPU डिटरमाइन द एक्शन टू बी टेकन बाई द सर्वो मोटर। सर्वो मोटर को किस समय क्या एक्शन लेना है, कितने एंगल पे रुकना है, किस मोशन पे चलना है, ये सारा डिसाइड CPU करता है। अब देखते हैं CPU किससे कम्युनिकेट करता है। CPU कम्युनिकेट विद द सर्किट मॉड्यूल थ्रू द बैक प्लेन ऑफ लॉजिक कंट्रोल। CPU सर्विस मॉड्यूल से कम्युनिकेट करता है कंट्रोल लॉजिक चेसिस के बैक प्लेन के थ्रू। अब देखते हैं सर्किट मॉड्यूल किससे कम्युनिकेट करता है। द सर्किट मॉड्यूल कम्युनिकेट विद द सर्वो रैक बाय द सर्किट ऑप्टिकल फाइबर सर्किट नेटवर्क। यह सर्वो रैक से ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए कम्युनिकेट करता है, यानी मोटर फीडबैक देता है सर्वो रैक को। सर्वो रैक ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू सर्किट मॉड्यूल को फीडबैक देता है। सभी रैक में IM और AM सर्वो ड्राइव्स लगे हुए रहते हैं, जिसमें 400 और 240 वोल्ट AC सप्लाई रहता है। IM ही 240 वोल्ट AC AM सर्वो ड्राइव को देता है और एक सर्वो ड्राइव एक मोटर को कंट्रोल करता है। सभी रैक में इसके नोड नंबर रहते हैं, साथ ही बड रेट और नोड एड्रेस सर्वो ड्राइव में भी सेट किया हुआ रहता है। IM और AM रिंग फॉर्म में रहते हैं। ये रिंग फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। एक का TX पोर्ट दूसरे के RX पोर्ट से कनेक्टेड रहता है। TX पोर्ट मीन्स ट्रांसमिट डाटा और RX मीन्स रिसीव डाटा। मोटर का पावर ऑफ फीडबैक केबल भी ड्राइव से कनेक्टेड रहता है। इसकी नेटवर्क को देखें तो PLC सर्किट मॉड्यूल से कम्युनिकेट करता है, सर्किट मॉड्यूल सर्वो ड्राइव से कम्युनिकेट करता है और सर्वो ड्राइव
पावर और फीडबैक केबल के थ्रू मोटर के मोशन को पीएलसी कमांड के अकॉर्डिंग कंट्रोल करता है। डिवाइस नेट, दिस इज यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम द सेंसर एंड एक्चुएटर वाई द IO module and armor block device. It is also used for control of frequency converter and the AC motor. इसका इस्तेमाल सेंसर और एक्चुएटर से डाटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। बेसिकली एक डिवाइस नेट स्कैनर लगे रहते हैं, ये इसके थ्रू कम्युनिकेट करता है और डाटा ट्रांसमिशन जो होता है IO module और armor के ब्लॉक के थ्रू किया जाता है। यह AC motor के frequency converter को भी कंट्रोल करता है। इसके कम्युनिकेशन के लिए कुछ डिवाइस लगे होते हैं। द पावर फ्लेक्स 40 मॉड्यूल में कॉमडी डिवाइस नेट अडाप्टर लगे हुए रहते हैं। 10 पॉइंट आईओ मॉड्यूल में 1734 एंड डिवाइस नेट अडाप्टर लगे हुए रहते हैं और आर्मर ब्लॉक डिवाइस नेट आईओ मॉड्यूल भी डिवाइस नेट मॉड्यूल की तरह काम करता है। एक इसका ओवरव्यू लेते हैं। ये डिवाइस नेट ओवरव्यू है। थैंक यू फ्रेंड, आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दें। थैंक यू।